महकमा रेलवे के एक प्रेस नोट के मुताबिक ईद के मौके पर कराची से चलाई जाने वाली खसूसी ट्रेन ईद स्पेशल इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक पिशावर पहुंच जाएगी। रेलवे ने मुसाफिरों के रिश्तेदारों से कहा है कि आप उनकी तरफ से फिक्रमंद ना हो, क्योंकि उन्होंने अपनी ईद ट्रेन ही में मना ली है और वो सब बखैरियत हैं। अंजुमन नाजरीन ने टेलीविजन इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर प्रोग्राम 50-50 बंद कर दिया जाए। अपने मुतालबे की वजाहत करते हुए अंजुमन के एक नुमाइंदे ने हमें बताया कि अच्छे भले फनकारों के आसाब पर 50-50 सवार हो गया है और ठीक ठाक बातें करते करते वो अचानक पटरी से उतर जाते हैं और 50-50 की गर्दान शुरू कर देते हैं, जिसका बेहतरीन मुजाहरा पिछले दिनों प्रोग्राम ईद मिलन में देखने में आया है। टेलीविजन के रंगीन प्रोग्रामों को देखने के बाद रेडियो हुक्काम ने फैसला किया है कि आइंदा उनके प्रोग्राम भी रंगीन हुआ करेंगे। 31 अगस्त के बाद सामयीन रेडियो से रंगीन प्रोग्राम सुन सकेंगे। टेलीफोन सार्फिन ने मुतालबा किया है कि उनके बिलों की आधी रकम बिजली के महकमे से वसूल की जाए, क्योंकि उनकी आधी कॉलें बिजली के महकमे में शिकायत दर्ज कराने के सिलसिले में होती हैं। एक इत्तला के मुताबिक कई फिल्मी अदाकारों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि अगर उन्हें टीवी ड्रामों में काम करने की पेशकश की गई तो वो इसमें बड़ी खुशी महसूस करेंगे। हमारे नुमाइंदे का कहना है कि इस ऐलान के बाद पाकिस्तान टेलीविजन एक तरबियती कैंप लगाने पर गौर कर रहा है, जिसमें उन अदाकारों को आहिस्ता बोलने, आहिस्ता हंसने और आम आदमियों की तरह नर्म लहजे में गुफ्तगू करने की तरबियत दी जाएगी और इसके बाद उन्हें कास्ट करने पर गौर किया जाएगा। इसके साथ ही आज की खुसूसी रिपोर्ट खत्म हुई। मक्खियानी मर गई।